प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने एक वीडियो में आपसे ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो धर्म युद्ध होगा वो किसी विचारधारा को लेकर के होगा। और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा तोड़ा जाता है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बंगाल के अंदर देवी पूजा होती है वहां किस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से देख भी रहे हैं। ऐसे में यहां हमें एक दृष्टिकोण अवश्य अपनाना पड़ेगा, और वो ये कि जो लोग किसी धर्म विशेष की घटना पर बढ़ चढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इस समय पर वो लोग मौन क्यों है? इसका अर्थ क्या यह है कि उनकी सहानुभूति किसी एक विशेष धर्म के साथ है? सेकुलरिज्म की वो बात करते हैं, लेकिन जब बात हिंदू धर्म पर हो, सिख धर्म पर हो या ईसाई धर्म को लेकर के हो तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ऐसे में वर्तमान के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ये अपने आप में विचलित तो करती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका भी एक साइड इफेक्ट मैं आपको अवश्य बताता हूं। जब अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, गरीबों का शोषण होता है और धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर एक बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है कि ईश्वर, वो प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेलती है जो उन लोगों को बेनकाब भी अवश्य करती है, और धर्म के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयोजन भी वो अवश्य करती है। ऐसे में ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और ये हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर हो रहा है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से एक आवाज भी नहीं उठ रही है उनके समर्थन में। ऐसे में जरा हमें एक विचार और करना चाहिए, यदि इसी तरह की घटना हिंदुस्तान में हुई होती तो कितना बड़ा माहौल खड़ा किया जाता, ये आप सब लोग जानते हैं। ऐसे में ये घटनाएं इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि देश के अंदर इस समय पर किस तरह की विचारधाराओं का बोलबाला चल रहा है। इसमें कहीं भी मुझे कोई संशय नहीं है कि वर्तमान के अंदर ये पूरी दुनिया दो विचारधाराओं को लेकर के आपस में लड़ रही है, और ये विचारधारा की लड़ाई यदि अभी से इसको नहीं संभाला गया तो 2025 के अंदर ये विश्व युद्ध का कारण भी बनेगी और एक बड़े धर्म युद्ध का सूत्रपात भी अवश्य होगा। ऐसे में एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, यदि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें पुरजोर आवाज उठानी चाहिए। अमेरिका के अंदर एक अश्वेत के खिलाफ कुछ होता है, पूरे दुनिया के अंदर आवाज उठती है, लेकिन जब हिंदू के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, कोई उनके साथ अन्याय करता है, तो पूरे विश्व से आवाज नहीं उठती है। इसका सबसे बड़ा कारण भी यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर उनकी बोलेगा कौन? या तो मुस्लिम राष्ट्र हैं या ईसाइयत को फॉलो करने वाले लोग हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में भी नहीं है और हिंदुओं की आइडियोलॉजी को समर्थन भी पूरी दुनिया के अंदर करें ऐसे लोग भी कम है, और जब हिंदुस्तान में इस तरह की बात होती है तो सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग झंडा ऊंचा करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमें एक बात को समझना है, जब ये घटनाएं पूरी दुनिया के अंदर होती हैं तो हमें इस बात का अच्छी तरह से अनुभव अवश्य होना चाहिए कि इस समय पर कौन निष्पक्ष होकर के अपनी बात कह रहा है, और इस बात को हमें ध्यान भी रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में जब वो चुनाव के अंदर आते हैं और हमसे समर्थन मांगते हैं तो हमें उनसे एक सवाल अवश्य करना चाहिए कि जब हमारे धर्म पर अत्याचार हो रहा था, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा था,
धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, तब आपने हमारे समर्थन में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? जरा सी घटना होती है आप पहाड़ सर पर उठा लेते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो आप अपने आप को पीछे कर लेते हैं। और इस बात को हमें ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। दर्शकों, यदि हम अपने धर्म की विचारधारा का खुद सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हमें फिर समर्थन नहीं देता है। ऐसे में ये मेरा भी दायित्व बनता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, यदि किसी अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है उन पर कोई अत्याचार हो रहा है, आवाज उठती है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है या दुनिया के किसी कोने में होता है, तो वहां से भी फिर उन लोगों के द्वारा आवाज उठनी चाहिए और उन लोगों को भी विरोध करना चाहिए कि इस तरह से अल्पसंख्यकों पर आपको अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये दोहरी नीति उन लोगों को नहीं अपनानी चाहिए, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को लेकर के किसी भी तरह की दोहरी नीति नहीं अपनाई जाती हो। यहां हिंदुस्तान के अंदर सबको कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, विरोध भी होता है, सरकारें उन्हें विरोध करने का पूरा मौका भी देती हैं, लेकिन जब दूसरी जगहों पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब फिर उन लोगों के मुंह क्यों बंद हो जाते हैं, ये बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और अब वक्त आ गया है हमें भी अपनी आवाज को बुलंद अवश्य करना चाहिए। कुछ चीज गलत है तो हमें अपना विरोध भी अवश्य दर्शाना चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहने में कहीं भी कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए वीडियो भी मैंने बनाया है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, खासतौर पर मैं बंगाल की बात करता हूं, और पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, तो फिर हमें अपनी आवाज उठानी ही चाहिए। और इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपना एक दृष्टिकोण आपको दिया है विश्व में हो रही इन घटनाओं पर, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी भी, और आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक विचारधारा को आगे बढ़ाने में इन घटनाओं का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी कुछ ऐसा भी होता है जो युग परिवर्तन का काम करता है, और युग परिवर्तन होगा तो फिर ऐसा कुछ भी अवश्य होगा। इसलिए एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अभी इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये हमारे लिए भी एक ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है जब आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदू धर्म को लेकर के अपनी बात प्रभावी ढंग से करने का सिलसिला भी अवश्य शुरू होगा, और ये होगा ही होगा। आने वाले समय में आप हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि अत्याचार एक सीमा के बाद में फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।